कौन से हमारे सामाजिक समूह होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किन समूहों को हम सामाजिक समूह मानते हैं, इसलिए सामाजिक समूह का अर्थ बताएंगे, परिभाषाएं और सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और सामाजिक समूह के प्रकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक समूह क्या है। तो पहले बात तो हम समझ लीजिए कि दैनिक वार्तालाप में हम अनेक शब्दों जैसे समाज, समूह, संस्था, समिति, समुदाय, संस्कृति, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक स्त्रीकरण आदि का बहुतायत रूप से प्रयोग करते हैं। साधारणतः हम इन शब्दों का अर्थ विषय के संदर्भ में लगा लेते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए समाजशास्त्र में इन शब्दों को विशेष महत्व दिया जाता है, जिनकी सहायता से हम एक विशेष समाज की संरचना, व्यक्ति में आपसी संबंध, मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारक और उन सभी दशाओं को, सामाजिक संगठन आदि को व्यवस्थित रूप में समझ सकते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं, ऐसे शब्दों को हम समाजशास्त्र की मूल प्राथमिक या आधारभूत अवधारणा कहते हैं। समाजशास्त्र की अध्ययन में सामाजिक समूह एक मूल संकल्पना है। समाजशास्त्र से में जो सामाजिक समूह के आधार पर अध्ययन करना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि हम व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, बल्कि इसका महत्व इसलिए भी है कि आपसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ समूहों से जुड़ा होता है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, चाहे वह जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का एक परिवार, पड़ोस, मोहल्ले, गांव अथवा नगर का सदस्य है। व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर हम बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों अथवा वृद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं। लिंग के आधार पर हम किसी स्त्री उसके समूह के सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उदाहरण समूह की समाजशास्त्री अवधारणा को स्पष्ट नहीं करते। कारण क्या है कि व्यक्तियों के इन श्रेणी में सभी लोग ना तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और ना ही उनके व्यवहार की सामान्य नियमों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक समूह के सही अर्थ को स्पष्ट करते हुए ओल्सन ने लिखा है कि सामाजिक समूह का एक प्रकार का संगठन है जिनके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से आपसी एकरूपता स्थापित करते हैं। यहाँ पे कहने का आशय ये है कि सामाजिक समूह जैसे समाज है, समूह है, संस्था है, समिति है, इनके सबके बारे में हम किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबकी जो सोचने और समझने का ढंग है वो लगभग एक जैसा होता है। तो हम कहते हैं हम ये उस समूह का सदस्य है। लेकिन अभी आपने हमें एक उदाहरण दिया कि जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके बीच में कोई परिवार भी होता है, पड़ोस होता है, मोहल्ला होता है, गांव अथवा नगर हो सकता है, लेकिन सभी की सोचने की जो समझने की शक्ति या कोई संगठन है समूह से वह जुड़ा नहीं होता, क्योंकि वे सभी लोग एक साथ वह अंतर्क्रिया नहीं करते, इसलिए उनको सामाजिक समूह नहीं कह सकते। सामाजिक समूह उनको कहते हैं जिनमें जिनके सदस्य एक दूसरे को जानते हों और एक साथ अंतःक्रिया करते हों, में एकरूपता स्थापित करने का भी कार्य करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सामाजिक समूह। अब सामाजिक समूह का अर्थ तथा परिभाषा क्या है। साधारणतः समूह का आशय व्यक्तियों के संग्रह है से समझा जाता है। यह अर्थ समाजशास्त्रीय रूप से सही नहीं है। समूह का निर्माण केवल उन्हीं व्यक्तियों से होता है जो अपने विभिन्न स्वार्थों अथवा जरूरतों के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानकर आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सांप को पार्क में बैठे हजारों व्यक्तियों के भीतर को हम एक समूह नहीं कह सकते, क्योंकि इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा। तो सभी लोग पार्क में बैठे ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, इसलिए कोई भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार जैसे रेल के डिब्बे में बहुत बैठे हुए व्यक्ति अथवा दुकान में वस्तु खरीदती हुई भीड़ को भी हम समूह नहीं कह सकते। दूसरी ओर ऐसे सभी व्यक्ति
जाति वर्ग गांव और राजनीतिक दल के सदस्य होने के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित समझते हैं और एक दूसरे से अंतर किया करते हैं, एक एक समूह का निर्माण करते हैं। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समुदाय से कुछ व्यक्तियों के बीच शारीरिक समुदाय होना ही नहीं है, बल्कि समूह की प्रमुख विशेषता कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित करना तथा एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। इसी पे मैकाइवर का कथन है, ये परिभाषा नोट करिएगा। मैकाइवर का कथन है कि समूहों से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। इसी तरह दूसरे समाजशास्त्री आगबर्न तथा निकॉप के अनुसार जब कभी भी इसी प्रकार एक समाजशास्त्री और हैं जिन्होंने सामाजिक समूह के सामाजिक समूह को परिभाषित किया है। आगमन तथा निकाप के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति समीप आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम अनेक दूसरे समाजशास्त्र में भी सामाजिक समूह को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन इन सभी परिभाषाओं के आधार पर समूह की सामान्य प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि जब कुछ व्यक्ति जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आकर संबंधों की स्थापना करते हैं तो व्यक्तियों के किसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हमें सामाजिक समूह कहते हैं। तो सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम विभिन्न हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। तो सामाजिक समूह की विभिन्न परिभाषाओं को स्पष्ट परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किसी एक परिभाषा के द्वारा ही सामाजिक समूह की सभी विशेषताओं को स्पष्ट कर सकना बहुत कठिन है। इस दशा में कुछ सामान्य विशेषताओं की सहायता से सामाजिक समूह की वास्तविक प्रकृति को हम समझ सकते हैं। तो नंबर एक है, समूह व्यक्तियों का मुक्त संगठन है। जैसे जो प्रत्येक जो मनुष्य है वह एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा मूर्त संगठन है जिनके सदस्य कुछ संबंधों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। दूसरा है एक निश्चित ढांचा। फीचर ने फीचर समाजशास्त्री में उन्होंने बताया कि फीचर ने स्पष्ट किया कि अन्य संगठनों के समान सामाजिक समूह में भी एक निश्चित ढांचा होता है। इस सदस्यता के समूह सभी सदस्यों के की एक विशेष स्थिति होती है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो एक सब समूह के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उनके पद के अनुसार उनमें स्त्रीकरण जरूर पाया जाता है। दूसरा है कार्यात्मक विभाजन। जैसे एक समूह के सभी सदस्य बिल्कुल समान कार्य नहीं करते क्योंकि उनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हमने अभी एक शिक्षक का उदाहरण दिया कि एक शिक्षक सभी विषयों को नहीं पढ़ाता है, जो जितने भी शिक्षक होते हैं वो अपने विषय के अनुसार उनके कार्य बटे हुए होते हैं और विभिन्न शाखाओं का वह ज्ञान देकर अपने समूह के उद्देश्य को पूरा करते हैं। मतलब जितने भी शिक्षक होते हैं वो अपने विषयों का अध्यापन करवाते हैं और उसी लेकिन वो एक समूह से जुड़े हुए होते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चौथा होता है समान स्वार्थ। एक समूह के सभी सदस्य समान हितों में बंधे होते हैं क्योंकि उनकी जो पूर्ति है वो सभी सदस्यों के कार्य करने से होती है। वास्तविकता तो यह कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य तभी बनता है जब उस समूह द्वारा उसके हितों की पूर्ति होने की संभावना होती है। कुछ समूह ऐसे जरूर होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को आवश्यक रूप से ग्रहण करनी होती है, लेकिन ऐसी समूहों की संख्या बहुत कम है। परिवार, हीडा समूह, पड़ोस आदि इसी प्रकार के समूह हैं। समान स्वार्थों को यही स्वार्थों की यही भावना एक समूह के सदस्य को पारस्परिक सहयोग करने की प्रेरणा देती है। तीसरा आपका आता है ऐच्छिक सदस्यता के अंदर
अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो सभी जानते हैं उसके हित जो किसी का किसी से जुड़े होते हैं उसके लिए किसी न किसी समूह का सदस्य होना भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक प्राणी होता है इसलिए वह किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। लेकिन व्यक्ति जिस तरह और के और कितने समूह की सदस्यता ग्रहण करेगा इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती न निर्धारित की जा सकती है। सामाजिक समूह की सदस्यता इस दृष्टिकोण से भी अच्छी होती है कि व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छा अनुसार एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता छोड़ सकता है अथवा नए समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस समूह को छोड़ सकता है और दूसरे समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। तो ये तो आपकी अच्छी सदस्यता। तीसरा छठा आता है आदर्श नियमों की प्रधानता। प्रत्येक सामाजिक समूह अनेक नियमों के द्वारा बंधे होते हैं जो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इनके कुछ नियम लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। जबकि अनेक उनके आदर्श नियम भी होते हैं। विभिन्न समूहों के नियम एक दूसरे से कुछ अलग हो सकते हैं और कुछ के समान भी हो सकते हैं लेकिन एक समूह में सभी सदस्यों के व्यवहारों को समान नियमों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समूह आपका है वो उसमें जो नियम है उनमें आदर्श नियमों की प्रधानता होती है। समूह के कुछ अपने पे नियम होते हैं कुछ आदर्श होते हैं तो उन नियमों के द्वारा व्यक्ति बंधा रहता है। तो अगला आता है आपका सामाजिक लक्ष्य। प्रत्येक समूह की मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्य होना जरूरी होता है। लक्ष्य की असमान समानता ही एक समूह के सदस्यों को आपस में बांधे रखती है क्योंकि यदि समान लक्ष्य वाले कुछ व्यक्ति एक समान विरोधी लक्ष्य को लेकर एक दूसरे में बांध जाए तथा संगठन का निर्माण कर ले तो उसे सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो समूह का लक्ष्य होता है वो निर्धारित होता है सभी जितने भी व्यक्ति है उस समूह के नियमों आदर्शों को मानना होता है। अगर मान लीजिए कोई विरोधी आ जाता है एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं तो उसे सामाजिक समूह नहीं कह सकते। अब आता है अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। कुछ दशाओं में 2-3 व्यक्तियों से ही एक समूह का निर्माण हो सकता है जबकि कुछ समूह में सदस्य संख्या लाखों में भी हो सकती है। आज जैसे जैसे मनुष्य की जरूरतें स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं सामाजिक समूह के आकार में भी वृद्धि होती जा रही है। अब आता है समूह एक सरकार। इसका आशय यह है कि एक व्यक्ति समूह के अस्तित्व के सामने अपने अस्तित्व को गौर मानता है और इस प्रकार सामूहिक शक्ति के प्रति निष्ठा रखता है। यही विशेषता समूह की शक्ति को बढ़ाती है और स्थायित्व देने में सहायक होती है। कहने का मतलब यह है कि समूह एक सत्ता है इसमें वृद्धि भी हो सकती है और संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है और एक व्यक्ति अपने समूह के अस्तित्व को बनाए रखने को भी सर्वोपरि मानता है और इसे सामूहिक शक्ति के प्रति निष्ठा भी रखता है। तो हम यदि उपरोक्त ध्यान में रखकर देखा जाए कि स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संग्रह है जो विशेष नियमों के अंतर्गत एक दूसरे से भौतिक या मानसिक आधार से संबंधित होते हैं तथा सामान्यतों या रुचियों के कारण कुछ दूसरे लोगों से स्वयं को अलग अलग समझते हैं। अब हम सामाजिक समूह और समुदाय में अंतर जानेंगे। इस सामाजिक समूह और समुदाय में क्या अंतर है तो इसके लिए हम कुछ जो समूह की दूसरी विशेषताओं में अंतर है लेकिन क्या होता है उनके पारस्परिक निर्भरता भी देखने को मिलती है। तो नंबर एक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। देखा होगा समुदाय में होते हैं कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का से हमारा यहाँ पे भी जमीन और भूमि से है जबकि तो इसलिए समुदाय का जो एक का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जबकि एक समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत दूर से क्षेत्रों के निवासी भी हो सकते हैं। दूसरा है एक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के निजी स्वार्थ समुदाय के हितों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। दूसरी ओर सामाजिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों से होता है जिनके अपने अपने अलग अलग हित होते हैं। तीसरा है
विभिन्न समूहों का निर्माण कुछ विशेष लक्ष्यों और आवश्यकता के अनुसार होता है, जबकि समुदाय का विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में। चौथा पॉइंट ये है कि सामाजिक समूह की तुलना में समुदाय की प्रकृति बहुत अधिक स्थायी होती है। एक समुदाय से और पांचवा है एक समुदाय से संबंधित लोगों के संबंधों में काफी स्थायित्व देखने को मिलता है, जबकि विभिन्न प्रकार के समूह के सदस्यों के संबंध अस्थायी होने के साथ साधारणतया समझौते पर आधारित होते हैं। अब हम सामाजिक समूहों के प्रकार के समझेंगे और उसके विषय में पढ़ेंगे। सामाजिक समूहों के प्रकार में हम से जानेंगे और जो सामाजिक समूहों के प्रकार हैं, समाज शास्त्र विभिन्न आधारों पर इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो लघु समूह के रूप में और दूसरा बृहद समूह के। लघु समूह से हमारा आशय गांव, परिवार, पड़ोस जो है वो लघु समूह के उदाहरण है, जबकि एक राज्य, जनजाति तथा प्रजाति बृहद समूह के उदाहरण है। एल्वुड ने सभी सामाजिक समूहों को ऐच्छिक और अनिवार्य जैसे दो भागों में विभाजित किया है। उदाहरण के लिए परिवार का एक अनिवार्य समूह है, जबकि किसी आर्थिक या धार्मिक समूह को ऐच्छिक समूह माना जाएगा। कुछ अन्य आधारों पर सामाजिक समूह के विभिन्न प्रकारों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला है अंतर समूह तथा राज्य समूह। अंतर समूह क्या है? एक समाजशास्त्री सम्नर इन्होंने समूहों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक फॉग फेज में प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फॉग फेज। ये अक्सर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सम्नर की पुस्तक या सम्नर की पुस्तक का नाम क्या है या फॉग फेज किसकी पुस्तक है, तो बता देंगे सम्नर। तो सम्नर के अनुसार किसी समूह के प्रति व्यक्ति की घनिष्ठता अथवा दूरी को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक समूहों तथा इनकी विशेषताओं को दो भागों में विभाजित करके समझा सकते हैं। तो उन्होंने दो भाग विभाजित किया है। तो पहला है अंतर समूह। तो सम्नर ने बताया कि मनुष्य की एक यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह बिना किसी विशेष कारण के कुछ व्यक्तियों को अच्छा समझता है और कुछ व्यक्तियों का होगा बुरा समझने लगता है और उसके साथ भेदभाव का व्यवहार करता है और उससे दूर रहने का भी प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर अंतर समूह के बारे में जानेंगे। तो अंतर समूह वह है जिसके सदस्य को हम अपने बहुत निकट मानते हैं तथा उनके प्रति हमारे मन में कुछ हम की भावना होती है और इस समूह के सदस्यों को पक्षपात करने में हम कोई भी कोई संकोच नहीं होता। हम उनके हित में अपना हित और उनके सफलता को ही अपनी सफलता मानते हैं। अंतर समूह के सदस्य अपने सदस्यों के द्वारा हमारा समूह, उसके उद्देश्यों के हमारा उद्देश्य, उनके कार्य को हमारा कार्य आदि नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद भी यदि किसी दूसरे गांव में से या हमारे गांव के बीच दुर्घटना हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वह पूरे गांव की लड़ाई हो जाती है और सबको एकजुट होकर के सामना करते हैं। तो ये तो हो गया अंतर समूह के बारे में। साधारणतः जो है अंतर समूह का निर्माण निवास क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, लिंग अथवा आयु आदि के आधार पर होता है। इसका आशय यह कि अपने से भिन्न क्षेत्र अथवा संस्कृति वाले समूह की तुलना में हम उस समूह को अपना अंतर समूह मानते हैं जो हमारे क्षेत्र अथवा संस्कृति से संबंधित होता है। अन्य धर्मों को मानने वाले की तुलना में अपने धर्म के सभी जो सदस्य होते हैं वह हमारे अनुयायी के रूप में अंतर समूह का रूप ले लेते हैं। लिंग के आधार पर स्त्रियां स्त्रियों का पक्ष लेना चाहती हैं, जबकि आयु के आधार पर युवा पीढ़ी का साथ देना चाहता है। और इससे स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में जिस समूह के प्रति हमारी भावना अकृत और पक्षपात की होती है, यानी कि उसके साथ पक्षपात ना हो इसकी होती है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से यही हमारा अंतर समूह होगा। दूसरी ओर आते हैं हम राज समूह के ऊपर में, जो जिस
जिस समूह के प्रति हमारी मानसिक रूप से बुरी महसूस होती है या उसे हम अपना नहीं मानते हैं या जिनके प्रति हमारा भेदभाव, देश, ईर्ष्या, संदेह, घृणा व संघर्ष होता है, बिना किसी स्पष्ट कारण हम इन समूहों पर लगे उनका अनादर करते हैं, उसका तिरस्कार भी करते हैं, बल्कि उनसे समीपता का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। प्रत्येक स्थिति में हमारी यह इच्छा होती है कि हमारे अंत समूह की तुलना में बड़ा समूह को की हार हो, उसे कम सम्मान मिले तथा दूसरे लोग उसकी प्रशंसा ना करें। आशय यह कि बड़ा समूह की सभी विशेषताएं अंत समूह से पूरी तरह विपरीत होती है। मतलब जो अंत समूह के सदस्य होते हैं उनसे तो मलिहट की भावना होती है, लेकिन जो बड़ा समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी हमें कटुता, ईर्ष्या, देश, भेदभाव की भावना। तो ये हो गया अंतर समूह। समूह में इसमें सम्मर ने अपनी दो पुस्तक वर्गीकरण किया, सम्मर ने अपनी पुस्तक फॉर्म इसमें किया है। अब अगले इसको पढ़ते हैं कि सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह क्या है। हम आते हैं सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह को समझने के लिए। तो सदस्यता समूह अथवा संदर्भ समूह क्या है? तो सामाजिक समूह का यह जो वर्गीकरण है रॉबर्ट मर्टन ने किया है। मर्टन ने बताया कि व्यक्ति का सदस्यता समूह वह होता है जिसमें वह जन्म लेता है अथवा जिसके सदस्य के रूप में वह पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस परिवार, गांव, जाति, धर्म अथवा नगर में सदस्य के रूप में पहचाने जाते हैं वह हमारा सदस्यता समूह होता है। इसी तरह हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं या जिस कार्यालय में काम करते हैं अथवा जिस राजनीतिक दल से सदस्य होते हैं वे सभी हमारे सदस्यता समूह के समूह हैं। व्यक्ति अपने जीवन के में व्यवहार के उन्हीं तरीकों को महत्वपूर्ण मानता है जो उसके सदस्यता समूह से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत संदर्भ समूह वह समूह है जिसका एक व्यक्ति वास्तव में सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे व्यक्ति अपने आदर्श के रूप में देखता है अथवा जिसके अनुसार बनने की इच्छा रखता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक ग्रामीण समूह का सदस्य है तो प्रायः उसे वेशभूषा, शिक्षा, व्यवहार के तरीके तथा संस्कृति नगर में किसी समूह से निम्न प्रतीत हो सकते हैं। इसी दशा में वह व्यक्ति किसी नगरीय समूह या उससे संबंधित किसी संगठन या परिवार के अन्य परिवार को अपने व्यवहार के संदर्भ में उसी रूप में देखना शुरू कर देता है। इस तरह वह नगरीय समूह का सदस्य न होने के बाद भी उसी को अपने समान अपने व्यवहारों को करने से उसे विचारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करने, मतलब वह जिस तरह वह बनना चाहता है, जिस तरह का वह व्यवहार करना चाहता है उसी का वह अनुकरण करने लगता है लेकिन फिर भी वह उसका सदस्य नहीं होता है। वही व्यक्ति का जो है ये संदर्भ समूह। इसी कारण कभी कभी संदर्भ समूह को गैर सदस्यता समूह भी के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है। अब आते हैं उद्गत समूह और संदर्भ समूह। उद्गत समूह क्या है? इसका लिए मिलर ने समाज शास्त्र में उन्होंने बताया कि समूहों की संरचना तथा समूह में सदस्यों की प्रस्थिति के आधार पर सभी सामाजिक समूहों को उद्गत तथा समतल जैसे दो समूहों में विभाजित किया। तो मिलर के अनुसार उद्गत समूह का आशय उन समूहों से है जो अनेक खंडों में विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक खंड की स्थिति दूसरे खंडों की तुलना में ऊंची या नीची हो सकती है। उदाहरण के लिए जाति एक उद्गत समूह, क्योंकि एक जाति में अनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं और उनकी जो परिस्थिति होती है वह ऊंची और नीची होती है। इसलिए जो व्यक्ति उच्च जाति का सदस्य होता है उसे ऊंची परिस्थिति प्राप्त होती है, जो निम्न जाति का होता है उसे नीची परिस्थिति प्राप्त होती है। तो इसी के अनुसार वह अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार वह एक समूह का सदस्य हो जाता है। तो दूसरे उपजातियों के लोगों से भी अपनी इसी सामाजिक समूह के अनुसार वह संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो अब हम आते हैं कि दूसरी और जो संदर्भ समूह है वे समूह है जिसके सदस्य की सामाजिक स्थिति में समानता होती है।
भी कुछ एक समान होता है। यही कारण है कि सकल समूह के सदस्यों के बीच अपनत्व की भावना आदि की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम आप प्रवेश के इसमें पढ़ेंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह क्या है और उनके क्या विशेषता है। सामाजिक समूह के इस वर्गीकरण को सबसे पहले अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स फूले ने सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया। फूले ने लिखा कि प्राथमिक समूह वे समूह हैं जो जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से यह मानव स्वभाव का निर्माण करने वाले होते हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए फूले ने लिखा कि प्राथमिक समूह से मेरा आशय उन समूहों से है जिनकी प्रमुख विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना है। यह समूह अनेक प्रकार से प्राथमिक किंतु मुख्य रूप से इस अर्थ में यह व्यक्ति सामाजिक प्रकृति और मनोवृत्ति का निर्माण करने में प्राथमिक होती है। इसी तरह जिसबर्ट ने समूह की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है तथा इसके अंतर्गत सभी सदस्य तात्कालिक रूप से दूसरे सदस्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें प्राथमिक समूहों को आमने सामने के संबंध में खुले का आशय केवल प्राथमिक समूहों की प्रकृति को किंग्सले डेविसन ने निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया। इसमें जो किंग्सले डेविसन ने इस प्राथमिक समूहों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो सबसे पहला इनके अनुसार हेडिंग है आपकी शारीरिक समूहता। तो जो किंग्सले डेविसन है उन्होंने बताया कि प्राथमिक समूह के सदस्य साधारणतया शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट हैं, लेकिन समूहों का निर्माण 3-4 व्यक्तियों से भी हो सकता है और 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्तियों तक से होता है और यह आकार में छोटा होता है और इसके दो सदस्यों के पीछे आपसी सहयोग और त्याग में वृद्धि करता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यह जो प्राथमिक समूह है वह छोटे होते हैं और इसमें 3-4 सदस्य से लेकर 50-60 तक सदस्यों की संख्या हो सकती है। दूसरा है आपका छोटा आकार। प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं साधारणतया शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं, लेकिन समूह का निर्माण 3-4 व्यक्तियों से 50-60 तक हो सकता है और इसमें इनके संबंधों में जो है घनिष्ठता पाई जाती है। फिर अधिक स्थिरता, दूसरे समूह की तुलना में प्राथमिक समूह कहीं ज्यादा स्थायी होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क सदस्यों के बीच कोई भी समस्याएं पैदा नहीं होती और उनके संबंधों में कोई तोड़ सभी ऐसा भी संभव नहीं होता है। चौथा है सामान्य चरित्र। प्राथमिक समूह के सदस्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर योजनाबद्ध रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनका जो समूह का चरित्र होता है वह सामान्य होता है क्योंकि इनमें व्यक्ति की सभी प्रमुख जरूरतें पूरी होती हैं। पांचवा है लक्ष्यों की समानता। प्राथमिक समूह के सदस्य हैं उनके संख्याओं में जो उनके लक्ष्य हैं वो समान होते हैं और अब उनके सदस्य अपनी इच्छाओं मनोरंजन समानता होने के कारण उनके जो लक्ष्य होते हैं और उनका हित होता है वो सभी समान होता है। दूसरा तथ्य है कि प्राथमिक समूह प्रत्येक सदस्य उन्हीं व्यवहारों को अपना लक्ष्य मानते हैं जो उनके सदस्य मानते हैं, जिसमें उनका कल्याण निहित होता है। संबंध स्वयं में लक्ष्य होते हैं। जो प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं जो उनके जो संबंध होते हैं वह स्वयं में ही उनके लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं और उनको उन्हीं स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और वही संबंधों को स्थापित करना ही उनका अपना लक्ष्य भी होता है और उससे जिसमें सभी का उनके परिवार का उनके जो उनके मानने वाले हैं जिनके जिनकी
की उच्च सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं या संबंध इसलिए व्यक्ति को देखने में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंधों में भूमिका होती है। समूह इन समूहों के सदस्य संबंध जीवन के किसी एक रूप से संबंधित नहीं होगा बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक तथा मनोरंजन संबंधी सभी तरह के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। अगला संबंध स्वाभाविक होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य संबंध किसी लालच अथवा किसी दबाव में नहीं होते बल्कि व्यक्ति अपनी इच्छा से इन्हें स्वयं स्थापित करता है। वह आपका प्राथमिक नियंत्रण। प्राथमिक समूह सदस्यों के व्यवहार और विचारों पर जो नियंत्रण स्थापित करते हैं वह व्यक्ति जो है स्वयं स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता क्योंकि यह नियंत्रण परंपराओं प्रथाओं लोकाचारों हास्य व्यंग्य तथा पुरस्कार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब यह है कि उपर्युक्त जो आपकी विशेषताएं हैं इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह का महत्व कहीं अधिक है। यह व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। इसमें हम भावना पाई जाती है और इसमें जो समाज वृद्धि यह हम पर भी यह नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है। संस्कृति को आगामी पीढ़ी के लिए स्थानांतरित करता है। यह समूह व्यक्ति की कुशलता को भी बढ़ाते हैं। सामाजिक प्रशिक्षण देने में भी इन समूहों का महत्व को ध्यान में रखते हुए कुले ने लिखा है कि पार्श्विक प्रेरणाओं को मानवीकरण करना प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। अब हम आते हैं द्वितीय समूह के ऊपर उसकी चर्चा करते हैं। तो द्वितीय समूह से जो ये जो समूह है ये आकार में बड़े होते हैं। इनके सदस्य संचार के साधनों के द्वारा एक दूसरे से बढ़े हुए होते हैं। ये अपने कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन्हें ही द्वितीय समूह कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से आप यह जानेंगे कि जो राजनीतिक दल है वह हमारे द्वितीय समूह की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के कूड़े ने भी द्वितीय समूह को प्रकाशित करते हुए लिखा कि द्वितीय समूह वे समूह जिनमें घनिष्ठता और बाकी विशेषताओं का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। आगमन तथा निकाह के शब्दों में जिन समूह में घनिष्ठता की कमी होती है उन्हें द्वितीय समूह कहा जाता है। और जो यह परिभाषा है हमने दी इसे स्पष्ट होता है कि द्वितीय समूह वर्तमान जटिल समाजों की विशेषता है। इनकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से की जाती है। इसी के फलस्वरूप इनके सदस्यों के संबंध हित प्रधान दिखावटी और अस्थायी होते हैं क्योंकि इनके जो सदस्यों के संबंध होते हैं वो दिखावटी होते हैं क्योंकि जो भी इनके कार्य की जो इनका लक्ष्य है वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है क्योंकि इनके बीच हम की भावना नहीं पाई जाती है ये ध्यान रखें। और उनके जो संबंध हैं वो काफ़ी दूरी के होते हैं क्योंकि संचार के साधनों से या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़े ही समय के लिए इनका किया जाता है। तो अब हम इनकी कुछ प्रकृति को पॉइंट में समझेंगे। तो नंबर एक द्वितीय समूह आकार में बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के राजनीतिक दल एक द्वितीय समूह है जिसके सदस्यों की संख्या लाखों में हो सकती है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि इस समूह के सदस्यों के बीच शारीरिक सदृढ़ता होना जरूरी नहीं है। ज़्यादातर सदस्य संचार के साधन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि तीसरा द्वितीय समूहों का विशिष्ट चरित्र होता है। इसका आशय कि समूह के सदस्य समूह की केवल उतनी ही गतिविधियों में भाग लेते हैं जितने में उनके स्वार्थ का पूरा हो सके मतलब जितने में उनके स्वार्थ सिद्धि हो सके। तब पॉइंट यह है कि इन समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंध किसी विशेष स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनके फलस्वरूप समूह प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी पाया जाता है क्योंकि इसमें हम की भावना नहीं होती सिर्फ प्रतिस्पर्धा का परिश्रम और संघर्ष दोनों ही रहता है। पांचवा है इनमें सदस्यों के जो संबंध है अवैयक्तिक होते हैं। इसका आशय है कि हम किसी दूसरे सदस्य को समुचित रूप से जाने बिना ही उससे इसलिए संबंध स्थापित करते हैं जिससे हमें उससे कोई लाभ प्राप्त हो सके। दूसरे व्यक्ति से जो संबंध स्थापित करते हैं वो अपने स्वार्थ हित के लिए करते हैं अपने लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। छठा है इन समूह में अनेक लिखित और स्पष्ट
अधिकारों पर औपचारिक नियंत्रण रखा जा सकता है। जो नियंत्रण की विधि है वह औपचारिक होती है क्योंकि इसमें कुछ लिखित नियमों के तहत उन्हें उन नियमों को मानना होता है। द्वितीय समूह की प्रगति तुलनात्मक रूप से अस्थायी होगी क्योंकि अपनी जरूरतों स्वार्थों में परिवर्तन होने के साथ ही व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। ये तो हो गया द्वितीय समूह के बारे में और इसकी प्रकृति और विशेषता। हम अगला पढ़ेंगे प्राथमिक तथा द्वितीय समूह में अंतर क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीय समूह में अंतर, एक तरफ डालेंगे प्राथमिक समूह दूसरी तरफ द्वितीय समूह। पार्टीशन कर लीजिएगा उसके बाद देख लीजिएगा। प्राथमिक समूह या आकार में बहुत छोटे होते हैं, द्वितीय समूह या आकार में बहुत बड़ा होता है। इसमें प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच शारीरिक समानता पाई जाती है और जो सदस्य द्वितीय समूह में सदस्यों के संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। तीसरा, व्यक्ति का सामान्य जीवन व्यतीत होता है प्राथमिक समूह और इनकी द्वितीय समूह इनकी प्रकृति विशेषीकृत होती है। चौथा पॉइंट है, प्राथमिक समूह की सदस्यता जरूरी होती है, द्वितीय समूह की सदस्यता अच्छी होती है क्योंकि यह किसी अपने निश्चित जो स्वार्थ होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़े समय के लिए ली जाती है। पांचवा है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत लक्ष्य और मनोवृत्तियां समान होती है, इसमें मनोवृत्तियां और स्वार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। संबंध स्वयं में साध्य होते हैं, इसमें संबंध साधन के रूप में होते हैं। संबंधों में पूर्णता होती है, इसमें संबंधों में पूर्णता नहीं होती है। इसमें सदस्यों में प्रत्यक्ष सहयोग होता है, इसमें सदस्यों में अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। और औपचारिक नियंत्रण की प्रधानता होती है, इसमें नियंत्रण का जो रूप होता है वह औपचारिक होता है। फिर प्राथमिक समूह में पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसमें व्यक्तित्व पर आंशिक प्रभाव होता है। इनकी प्रकृति स्थायी होती है जबकि इनकी प्रकृति जो होती है समूह की वह परिवर्तनशील। इनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है और जबकि द्वितीय समूह का या योजनाबद्ध रूप में संगठित किए जाते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक तथा द्वितीय समूह का अंतर। अब इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है प्राथमिक और द्वितीय समूह की जो प्रकृति है दूसरे से अलग दिन मिल रही है, दोनों में किसी ना किसी भी समूह को दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा। प्राथमिक समूह सरल और परंपरागत समाजों की व्यवस्था है जबकि द्वितीय समूह औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की देन। इस प्रकार सामाजिक संबंधों की भिन्नता को समझने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों समूहों से परिचित होना भी जरूरी होता है। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक तथा द्वितीय समूह। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपके लिखने हैं। आपका लेसन यहीं पर समाप्त हो गया। अति लघु त्रि पर जो प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। अंतर समूह क्या है, प्रासमूह किसे कहते हैं। मटर तरह वर्णित सामाजिक समूह के प्रकार क्या है। अनौपचारिक समूह का अर्थ क्या है। द्वितीयक समूह से आप क्या समझते हैं। और फिर आपका आता है लघु त्रि प्रश्न, सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या है। अंतर समूह तथा प्रासमूह में क्या अंतर है। द्वितीय समूह की विशेषताएं तथा प्राथमिक समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राथमिक तथा द्वितीय समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए।